वही हाथरस कांड के बाद पहली बार सामने आए भोले बाबा। शनिवार सुबह कहा कि 2 जुलाई की घटना के बाद हम बहुत दुखी हैं। हमारा मानना है कि जो भी उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मृतक के परिवार और घायलों की मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने सभी से सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखने को कहा। आपको बता दें कि भोले बाबा और सूरजपाल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हैं। उनका यह बयान हाथरस कांड के मुख्य आरोपी और सेवादार देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद आया है। शुक्रवार के देर रात हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश ने दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है।